नमस्कार दोस्तों, 3 राज्यों के चुनावों का आज ऐलान होने वाला है। चुनाव आयोग आज दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और 3 राज्यों के चुनावों का जो तारीख है वो बताने वाले हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाला है इस बार, और महाराष्ट्र और हरियाणा के बारे में तो आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र और हरियाणा में भी इसी साल चुनाव होने वाले हैं और इसकी तारीख का अनाउंसमेंट चुनाव आयोग आज किसी भी वक्त कर सकता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट और बड़ी खबर ये है दोस्तों कि अचानक से 200 अफसरों का तबादला कर दिया गया है। चुनाव से पहले 200 अफसर जो हैं उनका तबादला हो गया है। आखिर ऐसा फैसला क्यों लेना पड़ा चुनाव आयोग को? वैसे बीते दिनों तो आप सभी ने उत्तर प्रदेश की वो खबरें सुनी ही होंगी जहाँ पर मुसलमान और यादवों को योगी आदित्यनाथ ने उन जगहों से हटा दिया है जहां पर 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर अखिलेश यादव से लेकर तमाम विपक्षी नेताओं ने कई सारे सवाल खड़े किए, कहा कि चोर के दाढ़ी में तिनका, जिसको चोरी का डर होता है चोरी करने का, वो पहले से ही सतर्क हो जाते हैं। कईयों ने तो ये भी कहा कि ये चुनाव की हार है, बौखलाहट है, तो इस तरीके का फैसला लिया गया है। लेकिन अब अचानक से चुनाव आयोग की तरफ से 200 अफसरों के तबादले को लेकर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं दोस्तों, और इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि अचानक से ऐसी खबर आती है जहां पर सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने ऐसा फैसला क्यों लिया। चुनाव आयोग को अचानक से इस तरीके का फैसला क्यों लेना पड़ा जहाँ पर उनको जो है 200 अफसरों को तबादला करना पड़ा। इस वक्त की बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है दोस्तों। आज तक के हवाले से खबर है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कर दिया गया है। 200 अफसरों के तबादले होने की खबरें जो हैं वो निकल कर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए आज निर्वाचन आयोग तारीख का ऐलान करने वाला है। इससे पहले ही राज्य में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल हुए हैं। सरकार ने राज्य में करीब 200 सिविल और पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। कल शाम को भी अलग अलग विभागों के 88 IAS और KAS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। वहीं आज IG से SSP रैंक के 33 पुलिस अधिकारियों का तबादला किया गया है। इनमें IG लेवल के अधिकारी हैं जो दोस्तों, जी हाँ, IG, CID रेंज, DIG और ज़िला SP का पूरा प्रभार शामिल है, जिनको अचानक से जो है उनका फेरबदल तबादला जो है वो कर दिया गया। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। सूत्रों का कहना है कि अगले 3 घंटे में तबादले की एक और सूची जारी होने वाली है। यानी 200 अधिकारियों का लिस्ट तो बदला ही गया है, फेरबदल हुआ ही है, लेकिन एक और बड़ी लिस्ट आने वाली है जिसके ज़रिए तबादला प्रशासनिक सेवा देने वाले उन अधिकारियों का होने वाला है। कहा जा रहा है कि 3 घंटे में तबादलों की एक और लिस्ट जो है वो आप सभी के सामने होगी। IAS अभिषेक शर्मा जो सांभा के उपायुक्त थे, उनका ट्रांसफ़र कर रजौरी का उपायुक्त नियुक्त कर दिया गया है। जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेट लिमिटेड के प्रबंधन निदेशक विकास कुंडल को जम्मू पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंधन निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपते हुए कुछ उपायुक्त नियुक्त कर दिया गया है। श्री शकील UIR रहमान राठर डिप्टी कमिश्नर बांदीपुर को स्थानांतरित कर पुष्प एवं उद्यान विभाग दे दिया गया है। कश्मीर के निदेशक के पद पर तैनात कर दिया गया है। वहीं माजिद खलील अहमद द्राबू जो विधिक माप विज्ञान जम्मू कश्मीर में नियंत्रण के पद पर तैनात थे, उन्हें IPS जम्मू कश्मीर का मिशन निदेशक बना दिया गया है। तो इस तरीके से जो है खबर निकल कर सामने आ रही है। वहीं उमर अब्दुल्ला ने इस पूरे मामले को लेकर जो है एक सोशल मीडिया पोस्ट किया है और कहा है इन तबादलों को लेकर उमर अब्दुल्ला ने कि जम्मू कश्मीर प्रशासन को इस बड़े पैमाने पर फेरबदल का आदेश देने के लिए सचिवालय और पुलिस मुख्यालय में अधिकारियों को स्वतंत्रता दिवस पर काम करने के लिए बुलाना पड़ा है। मुझे पता चला है कि उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि चुनाव आयोग आज चुनाव की तारीख की घोषणा करने वाला है। ये और भी बड़ा कारण है कि चुनाव आयोग को इस तबादले के आदेश को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के चश्मे से देखना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस को संदेह है कि उपराज्यपाल का इरादा पक्षपातपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें, आज 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें
जम्मू कश्मीर को के चुनाव को लेकर जो है ऐलान किया जाने वाला है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र और हरियाणा के भी चुनावों की तारीख आज चुनाव आयोग के ज़रिए ऐलान किया जाएगा। लेकिन सभी का यही कहना है कि ये जो अचानक से फेरबदल हुआ है, इस फेरबदल के पीछे कोई बहुत बड़ी मंशा है जिसके तहत चुनाव को बाधित करने के लिए इस तरीके का फैसला लिया गया है। जैसे कश्मीर के नेताओं का यही बयान सामने आ रहा है दोस्तों, वो इसी तरीके के आरोप जो है सत्ताधारी पार्टी पर लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल तो इस पूरे मामले की कोई भी जानकारी निकल कर सामने नहीं आ रही है कि ऐसे फैसले अचानक से क्यों ले लिए गए हैं। जब अचानक से ऐसा फेरबदल होता है तो दिमाग में बहुत सारे सवाल उठते हैं। जैसा कि मैंने कहा, उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके से ही योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा फैसला लिया जहां पर चारों तरफ चर्चा होने लगी और कहा जाने लगा कि चुनाव को बाधित करने के लिए इस तरीके का स्टेप जो है वो लिया गया है। अब आगे क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर थी, बहुत बड़ी जानकारी थी जो आप तक साझा कर रहे हैं दोस्तों। इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।